सीएसके जीते या हारे। रुको जरा, सबर करो। सहवाग ने धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान। आईपीएल 2024 में महेंद्र सिंह धोनी ऊपरी क्रम में क्यों नहीं खेल रहे, यह सवाल बना हुआ है, जबकि वह शानदार फॉर्म में है। बात सही है। चेन्नई को अपने पिछले 6 में से 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। अब चेन्नई का प्लेऑफ समीकरण में भी गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का मैच नंबर 59 चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच 10 मई को अहमदाबाद में खेला गया। इस मैच में गुजरात ने चेन्नई को अपने घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 35 रनों से मात दी। वही इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी 8वें नंबर पर खेलने आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। धोनी का स्ट्राइक रेट इस दौरान 236.36 का रहा, जो इस मैच में शतकवीर शुभमन गिल और साई सुदर्शन से भी शानदार रहा। साई ने मैच में 201.96 तो गिल ने 189.09 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। धोनी ने गुजरात के खिलाफ 11 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली, इसमें एक चौका और 3 छक्का शामिल रहा। बहुत तेज हो रहा है। धोनी के निचले क्रम पर खेलने को लेकर इस पूरे आईपीएल में कई बार सवाल उठ चुके हैं। यहां तक थाला के साथी रह चुके हरभजन सिंह और इरफान पठान भी उन पर बरस चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग ने धोनी के निचले क्रम में खेलने को लेकर अपनी राय रखी है। सहवाग ने कहा कि हमें एमएस धोनी की बल्लेबाजी की स्थिति को लेकर चल रही बहस को खत्म कर देना चाहिए। सहवाग बोले, वह जानते हैं कि उनको क्या करना है, यह उनकी इच्छा है, लेकिन अगर आप मैच जीतना चाहते तो वह जिस फॉर्म में है, जिस स्ट्राइक रेट पर वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह अन्य बल्लेबाजों को भी उसी लेवल तक पहुंचना होगा। सहवाग ने आगे कहा, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, वह जहां भी बल्लेबाजी करे सब ठीक है, उन्होंने जनता का मनोरंजन किया, चाहे वो जीते या हारे किसे परवाह है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। म्यूजिक